दोस्तों फाइनेंस के मोबाइल फोन के स्क्रीन पर तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखिए। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों अगर आप सिविल स्कोर को बढ़ाना चाहते हैं या फिर किसी कारण से आपका सिविल स्कोर डाउन हो चुका है या फिर अगर आपका कम सिविल स्कोर है, अगर आप चाहते हैं 750 से ऊपर अपना सिविल स्कोर हो जाए तो कैसे आप कर सकते हैं, इस वीडियो में दोस्तों आपको पूरी तरीके से जानकारी देने वाले हैं। एक ऐसा ग्रेड लाइन के बारे में दोस्तों बात करेंगे, ऐसा ग्रेड कार्ड के बारे में बात करने वाले हैं जिसके मदद से आप इंस्टेंट आप इस एप्लीकेशन के जरिए से वर्चुअल कार्ड और हो सकता है आपको फिजिकल कार्ड्स भी देखने को मिलेंगे और उस कार्ड के लिमिट को इस्तेमाल करते हुए आप लंबे समय तक अगर कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी लिमिट तो बढ़ेगी हो सकता है, साथ ही साथ आपके सिविल में दोस्तों इंप्रूवमेंट देखने को जरूर मिलेगा। अगर आपका किसी कारण से सिविल खराब हो गया है, कहीं भी आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं किसी भी एप्लीकेशन के अंदर या फिर बैंक फर्म के अंदर या फिर कोई भी लोन प्रोडक्ट जो होता है, बाइक फाइनेंस नहीं करा पा रहे, सिविल डाउन है या फिर कोई भी लोन आपको नहीं दे रही है कोई भी कंपनी, तो ऐसे कंडीशन में हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, वो है क्रेडिट कार्ड। यहाँ पर क्रेडिट कार्ड के जरिए से अपना सिविल स्कोर बढ़िया बना सकते हैं, लेकिन कैसे ये सारी जानकारी दोस्तों आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों यहाँ पर होता क्या है मैं आपको पहली बात बता दूँ, यहाँ पर एक क्रेडिट कार्ड होता है जो कि फिक्स डिपॉजिट किए जाते हैं, यानी FD बेस्ड क्रेडिट कार्ड मिलता है जो कि किसी एक बैंक के साथ टाइप होता है, उसी बैंक के अंदर आपका FD अकाउंट होता है और उसी के हिसाब से आपको वर्चुअल कार्ड भी देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ रियल टाइम क्रेडिट लिमिट भी मिलता है। जितने आप यहाँ पर FD करेंगे 80% से लेकर 100% तक का लिमिट आपको देखने को मिल सकता है अलग अलग अमाउंट के ऊपर। अब ऐसे में आपको कुछ एप्लीकेशन का डैशबोर्ड कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा और यहाँ आपको कार्ड की डिटेल्स और मैनेज कार्ड को कर सकते हैं, भैया कितना लिमिट का विथड्रॉल कर सकते हैं, कार्ड से कितना पैसा निकाल सकते हैं, कार्ड को रिप्लेस करा सकते हैं, कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पर मैनेज करने के लिए देखने को मिलता है। किसी प्रकार का कोई ड्यू है तो आपको यहाँ पर क्लियर करने के लिए भी कुछ इस तरह से उसी ऐप के अंदर में देखने को मिलेगा, यानी अगर देखा जाए तो प्रॉपर यहाँ पर आपको एक ही एप्लीकेशन के अंदर में पूरे आपको मैनेज करने का दोस्तों फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर सिविल स्कोर बढ़ाना चाहते हैं तो ये एप्लीकेशन आपके लिए दोस्तों बेहतर साबित हो सकती है, कैसे वो सारा चीज़ जानकारी आपको दोस्तों इस वीडियो में दे देते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं, अगर आप सिविल स्कोर बढ़ाना चाहते हो तो इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करने से पहले ये हमें जानकारी हो जानी चाहिए कि भैया यहाँ पर किसके लिए एप्लीकेशन ये काम करने वाली है, किसको मिलेगा ये क्रेडिट कार्ड और क्या आपके सिविल स्कोर होनी चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है या फिर नहीं, वो सारा जानकारी दोस्तों इस वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों इस एप्लीकेशन का नाम है रूपी कार्ड, जैसा कि आप यहां पर दोस्तों देख सकते हैं ये एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर के अंदर देखने को मिल जाएगा 4.5 के साथ एप्लीकेशन ये रेट कर रही है और राइट साइड में आपको दोस्तों देखने को मिलेगा यहां पर 5 लाख से ऊपर एप्लीकेशन को अब तक डाउनलोड कर लिया गया है। तो दोस्तों इंडिया का नंबर 1 FD क्रेडिट कार्ड है जो कि रूपी कार्ड के नाम से एप्लीकेशन देखने को मिल रहा है और ये जो है SBI बैंक की तरफ से ये कार्ड इशू किए जाएंगे, ठीक है। SBI बैंक की तरफ से कार्ड इशू किया जाएगा, वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर वीजा प्लेटिनियम कार्ड आपको देखने को मिल रहा है और आप यहाँ पर अगर आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है FD बेस पे तो आप थोड़ा बहुत लिमिट का इस्तेमाल आप करते हुए ऑन टाइम रिपेमेंट करिए और आपका 750 सिविल स्कोर यहाँ पर दोस्तों पार हो जाएगा। किसी कारण से अगर आपका सिविल स्कोर 300, 600, 650 है और किसी कारण से आपको लोन अप्रूवल नहीं मिल रहा है या फिर किसी भी लोन एप्लीकेशन के अंदर ट्राई कर रहे हैं बार बार रिजेक्शन देखने को मिल रहा है तो आप इस यहां पर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि इस एप्लीकेशन के अलावा भी बहुत सारे कार्ड्स के ऊपर मैंने दोस्तों वीडियो बनाई है जिसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम यहाँ पर चलते हैं गूगल प्ले स्टोर के अंदर ताकि हम आपको बता दूं कि मैं कौन कौन से कार्ड्स के बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है और वहां पर कार्ड लेकर भी दोस्तों दिखाया गया वो है वन कार्ड, ठीक है। वन कार्ड यहाँ पर सिंपली वन कार्ड के जरिए से भी आपको एक तरह से बैटल कार्ड भी आपको दोस्तों दिए जाते हैं अलग अलग FD अमाउंट के ऊपर दोस्तों, ठीक है। यहाँ भी किसी तरह कोई ज्वाइनिंग फी नहीं होता ना कोई एनुअल फी है, आप मिनिमम 2000 रुपये FD करके क्रेडिट कार्ड वर्चुअली आप देख सकते हैं और फिजिकली कार्ड भी इशू करा सकते हैं। अगर इस एप्लीकेशन के अंदर कार्ड लेना चाहते हैं तो ये भी दोस्तों बेस्ट है, वन स्कोर एप्लीकेशन भी जहाँ आप सिविल स्कोर देख सकते हैं, साथ ही साथ वन स्कोर के जरिए से दोस्तों यहाँ पर यानी वन कार्ड के जरिए से मेटल क्रेडिट कार्ड भी दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगर 50,000 रुपये की लिमिट्स मिलेगी या फिर 50,000 की FD करते हैं तो यहाँ भी आपको क्रेडिट कार्ड फटाक से मिल जाएगा।
तो यानी कि जो आप जमा पूंजी करते हैं उसी के यहाँ पर आपको क्रेडिट लिमिट मिलती है, जो कि इसमें यहाँ पर 100% क्रेडिट लिमिट मिलता है, जिसके ऊपर दोस्तों मैंने स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाई है किस तरह से आप 2000 रुपये मिनिमम FD करके अपने बैंक अकाउंट से ऐड करके पैसे को और तुरंत SBM बैंक के अंदर में। अब यहाँ पर दोस्तों मल्टीपल बैंक आपको दोस्तों देखने को मिल जाएगा यहाँ पर, SBM बैंक के अलावा भी और भी जैसे कि फेडरल बैंक, SBM बैंक और भी ऐसे बैंकिंग सेवाएं हैं जहाँ आपको FD बेस क्रेडिट कार्ड मिलती है। तो वन कार्ड के साथ टाइप है बहुत सारे बैंकिंग सिस्टम हैं जिनके जरिए से आपको क्रेडिट कार्ड मिलते हैं। इसके ऊपर दोस्तों मैंने वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन पर दोस्तों जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पर सिविल स्कोर की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है, यहाँ पर सिर्फ आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड होनी चाहिए और KYC हो सकता है। यहाँ पर KYC डॉक्यूमेंट के अलावा वीडियो KYC आपके यहाँ पर हो सकती है। उस आधार पर यहाँ पर दोस्तों आपको बस FD करना है और आपको वर्चुअल कार्ड ऐप के अंदर में देखने को मिल जाएगा और ऐप के मदद से सारे ट्रांजेक्शन वगैरह आप देख पाएंगे, कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं और उसी वर्चुअल कार्ड के जरिए से कहीं भी बिल पेमेंट आप कर सकते हैं। तो ये हो गई बात वन कार्ड के बारे में। दूसरी कार्ड के बारे में भी हम दोस्तों हम बता देते हैं, IDFC फर्स्ट बैंक का वाव कार्ड, इसके बारे में भी आपने जाना होगा। अगर आप हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर होंगे तो आपको जरूर पता होगा। यहाँ भी दोस्तों क्या है कि आपको क्रेडिट कार्ड वाले अगर आप सेक्शन में जाते हैं तो आपको वाव कार्ड देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ भी दोस्तों 100% आपको क्रेडिट लिमिट मिलता है, जितने आप डिपॉजिट करेंगे FD करेंगे उतने का आपको यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ भी दोस्तों क्या है, आधार कार्ड, ठीक है, पैन कार्ड और वीडियो KYC दोस्तों यहाँ पर करानी पड़ती है और ये IDFC फर्स्ट बैंक के अंदर आपको वाव कार्ड देखने को मिलता है, यानी कि IDFC फर्स्ट बैंक के अंदर ही FD की जाती है और उसका जितना आप जमा करते हैं उसका आपको यहाँ पर मिनिमम 5000 रुपये FD होंगे, ये चीज़ सियोरिटी है। 5000 FD करिए, उसके भी यहाँ पर आपको वर्चुअल क्रेडिट कार्ड ऐप के अंदर में भी देखने को मिल जाएगा इसी एप्लीकेशन के अंदर में, जो कि IDFC फर्स्ट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग है। इसी एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉग इन कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों कार्ड आप वर्चुअली भी देख सकते हैं और साथ ही साथ फिजिकल कार्ड भी आपका इशू हो जाता है। बाय पोस्ट आपके 7 से 8 वीक के अंदर में, 7 से 8 डेज के अंदर में आपके विद इन वीक आपका कार्ड पहुंच जाता है आपके एड्रेस पे, यानी KYC जो भी एड्रेस है उस एड्रेस पे कार्ड आपका पहुंच जाता है। बहुत सारे यहाँ पर दोस्तों कार्ड के बारे में दोस्तों मैंने जिक्र किया, ये है SBM क्रेडिट कार्ड। यहाँ पर दोस्तों क्या है कि एवरी ट्रांजेक्शन पे आपको यहाँ पर 1% का कैशबैक, जो भी आप इंटरेस्ट यहाँ पर FD करते हैं लगभग 7% से सारे में 7.42 या फिर 7.44 इतने सारे परसेंटेज आपको देखने को मिलते हैं, यानी इंटरेस्ट आपको मिलेंगे और किसी तरह का कोई भी ज्वाइनिंग फी नहीं होता है अभी तक जितने बारे में दोस्तों मैंने जितने एप्लीकेशन के बारे में बताया है। यहाँ भी दोस्तों वर्चुअल क्रेडिट कार्ड देखने को मिलेगा, वो भी एप्लीकेशन के अंदर में भी, और हो सकता है आपको यहाँ पर फिजिकल कार्ड्स भी मिल जाए, ठीक है। तो भैया ये है SBM बैंक की तरफ से डायरेक्टली क्रेडिट कार्ड्स। तो दोस्तों इतने सारे एप्लीकेशन के बारे में ऑलरेडी मैंने बना रखा, साथ ही साथ एक लास्ट यहाँ पर दोस्तों निकल के आता है पैसा बाजार, ठीक है। पैसा बाजार की तरफ से दोस्तों यहाँ पर क्रेडिट कार्ड आपको मिलता है, ठीक है। तो पैसा बाजार की तरफ से क्रेडिट कार्ड, यहाँ भी आप मिनिमम FD 2000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं और आप यहाँ पर दोस्तों क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। यहाँ भी आपको दोस्तों क्रेडिट कार्ड देखने को मिलेगा FD बेस, तो यहाँ पर 80% आपको क्रेडिट लिमिट मिलेगा जितना आप यहाँ पर डिपॉजिट करते हैं उसके आधार पे। तो अलग अलग टाइम में दोस्तों यहाँ पर वैरी करता है कि ज्वाइनिंग फ़ी कभी लेती है, ज्वाइनिंग फ़ी नहीं लेती है, या फिर हो सकता है एनुअल फ़ी लेगी, तो वो कुछ इस तरह से दोस्तों देखने को मिलेगा। तो जितने सारे एप्लीकेशन के बारे में अभी तक हमने बताया है कि FD बेस अगर आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली इन तीनों एप्लीकेशन के अंदर में भी आप ट्राई कर सकते हैं। तीनों एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगी, एक बार दोस्तों जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। दोस्तों अब हम बढ़ लेते हैं भैया मेन टॉपिक के ऊपर, ताकि आपको भी बता दें कि चीज़ें कैसे ये काम कर रही हैं। ये था रूपी क्रेडिट कार्ड जिसके बारे में अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे। यहाँ दोस्तों क्या है कि SBM बैंक की तरफ से या फिर हो सकता है मल्टीपल इनके लेंडर होंगे जिनके जरिए से आपका यहाँ पर क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, वो भी वर्चुअली। तो FD आपको यहाँ पर दोस्तों करनी पड़ती है और 750 प्लस आपका सिविल स्कोर हो जाएगा। कहीं भी आप लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर होम लोन लेना चाहते हैं, पर्सनल लोन हो, क्रेडिट कार्ड हो या फिर और भी चीज़ें कुछ लेना चाहते हैं या फिर फाइनेंस कराना चाहते हैं बाइक, कार, होम या फिर मॉर्गेज लोन लेना चाहते हैं, तो वैसे कंडीशन में आपका दोस्तों यहाँ पर सिविल स्कोर 700 प्लस होना चाहिए, यानी 750 अगर आपका सिविल स्कोर होता है तो डेफिनेटली आप यहाँ पर क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं किसी तरह कोई ज्वाइनिंग फ़ी नहीं है और ना ही कोई आपका क्रेडिट स्कोर चेक की जाएगी, ठीक है। FD के दौरान आपको जो क्रेडिट कार्ड मिलेगा वो आपकी सिविल जाँच नहीं होती है, क्योंकि हमें सिविल ही बढ़ाना है, तो इसीलिए FD बेस हम क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं, इस बात को समझ लीजिए। यहाँ भी आपको आधार कार्ड पैन कार्ड देने होंगे
और लास्ट हो सकते हैं यहाँ पर वीडियो केवाईसी आपको दोस्तों यहाँ पर करानी होगी, ठीक है। वीडियो केवाईसी आपको करानी होगी या फिर आधार कार्ड पैन कार्ड आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद केवाईसी कंप्लीट करते ही आपको दोस्तों यहाँ पर मिनिमम 5,000 रुपये की एफडी आपको दोस्तों यहाँ पर करानी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों ये एप्लीकेशन ये काम करती है, एफडी कराते ही आपके एप्लीकेशन के अंदर में दोस्तों देखने को मिल जाएगा वर्चुअल कार्ड, जिसका आप ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर भी शॉपिंग कर सकते हैं, कहीं भी आप इसका लिमिट का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी मर्चेंट के ऊपर बिल पेमेंट वगैरह आप कर सकते हैं, किसी मॉल या फिर किसी ग्रोसरी या फिर जनरल स्टोर में भी उस कार्ड का स्वाइप करा सकते हैं, चाहे वो पेट्रोल पंप क्यों ना हो। तो इस तरह से दोस्तों ये एप्लीकेशन ये काम करती है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि क्रेडिट कार्ड को बिल्ड करने के लिए एक बेहतर उपाय यही है और ये आखिरी उपाय है। क्रेडिट कार्ड से अगर आप लिमिट का इस्तेमाल 100% लिमिट अगर आपको मिलती है तो इतना समझिए कि 100% में अगर 15% लिमिट के इस्तेमाल करिए, ऑन टाइम रिपेमेंट करिए, आपकी सिविल स्कोर बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। भविष्य में दोस्तों कहीं भी अगर आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी आगे चल के लोन लेने में। तो दोस्तों इसी के लिए यहाँ दोस्तों एफडी बेस क्रेडिट कार्ड होता है। उम्मीद करते जानकारी आपको काफ़ी पसंद आया होगा। दोस्तों जाते जाते मैं आपको ये भी बता दूं, आपकी उम्र 18 साल प्लस होनी चाहिए इस कार्ड को लेने के लिए। आधार कार्ड पैन कार्ड आपके पास होनी चाहिए। मिनिमम 5,000 रुपये दोस्तों यहाँ पर एफडी होनी चाहिए। अलग अलग लेंडर के जरिए से दोस्तों हो सकता है मिनिमम किसी में 2,000 रुपये भी अलग अलग लेंडर पर आपको देखने को मिल सकता है, नहीं तो ऐसे ऐसे समझ लीजिए कि 5,000 रुपये तो एटलीस्ट रहेगा ही। तो इस तरह से ये एप्लीकेशन काम करती है। अगर आप यहाँ पर सैलरीड पर्सन है या तो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, दोनों कैटेगरी में दोस्तों ये एप्लीकेशन ये काम कर सकता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आप इस क्रेडिट कार्ड का ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा आपकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। भारत के किसी भी कोने से आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो भैया एफडी बेस क्रेडिट कार्ड के बारे में ही आज जानकारी दिया गया है, जिसमें कि आपको एक लिमिट मिलता है, एफडी जितना करते हैं उसका लिमिट 80% से लेकर 100% का भी लिमिट मिलता है कभी कभी। उसके दौरान आपको एक वर्चुअल कार्ड मिल जाते हैं जो कि एप्लीकेशन के अंदर ही आप मैनेज भी कर सकते हैं। वर्चुअल कार्ड के अलावा आपको फिजिकल कार्ड भी देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर सिविल बढ़ाने का एक अच्छा दोस्तों उपाय है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।